कितनी हर आर्टिस्ट को एक बड़ी उम्मीद होती है अपने हर काम से होती है, लेकिन इस फिल्म से आपको कितनी उम्मीद है? बड़ा यूनिक टाइटल है, भोजपुरी में सबसे हटके टाइटल है शायद इस फिल्म का, तो कितनी उम्मीदें हैं आपको इस फिल्म से और आपका किस तरह का कैरेक्टर है इस फिल्म में? ओके, पहले मैं आती हूँ अपना कैरेक्टर के ऊपर। बचपन का प्यार, आप अगर किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और वो अगर आपसे दूर चले जाए तो कैसा फील होता है, वो दर्द कैसा होता है, और जब वो प्यार आपके सामने आते हैं और आपको पहचान नहीं पाते, तो वो जो दर्द है वो इस लड़की के ऊपर दिखाया गया है कि जो उससे मतलब जिसे वो इतना ज़्यादा प्यार करती, इतना ज़्यादा प्यार करते, जब वो सामने आ रहे हैं तो उसको पहचान ही नहीं पा रहे हैं। लाइक वो जो दुख है वो कैरेक्टर मुझे यहाँ पे प्ले करना पड़ा। एकदम ही अलग कैरेक्टर है, मतलब जितना भी मैंने फिल्म किया है आज तक एकदम ही अलग कैरेक्टर है उसमें। मतलब वो दुख, वो आँख से पानी जो भी, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिन्होंने भी ट्रेलर देखा है सब लोग मुझे बोल रहे हैं कि इसमें इतना दर्द है तो फिल्म में कितना दर्द सहना पड़ा, मतलब ऐसा है। और एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें जो भी है सबको दिख रहा है कि ये ट्रेनिंग में आ चुका है। तो क्या होता है ना, हम लोग जब बैठते हैं तो हम लोगों को लगता है कि हमको सोना चाहिए, जब सोते हैं तो लगता है कि एसी चाहिए, जब एसी मिलता है तो लगता है कि यार और भी बहुत कुछ चाहिए। तो उम्मीद भी ऐसी ही चीज़ है। जब हम लोग शूटिंग किए थे तब लगता था कि चलो कुछ अच्छा हुआ, उसके बाद जब ट्रेलर आए तब और अच्छा लगने लगा, जब ट्रेलर ट्रेंडिंग में चले गए तो और भी उम्मीदें बढ़ने लगा। अभी सामने 5 तारीख को मेरा कड़िया वाला ड्रेस जो गाना है वो रिलीज़ हो रहा है, तो उम्मीद का कोई लिमिट नहीं है, मतलब उम्मीद बढ़ता जा रहा है इस फिल्म से, ऐसा है। रियल जिंदगी की बात करें भी, आपने बचपन का प्यार, कुछ ऐसा दर्द क्या रियल जिंदगी में भी मतलब सह चुकी हैं आप? बचपन में तो प्यार नहीं हुआ था, थोड़ा बड़ा होने के बाद प्यार हुआ था, और अभी वो प्यार मेरे पास नहीं है। और मेरे लाइफ में भी अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, कुछ हुआ था सॉरी, जो भी मेरे पास नहीं है। और उसके बाद तो मैं प्यार व्यार के चक्कर में गई ही नहीं, वो अलग बात है। अभी फिलहाल मेरे लिए अपना काम से ज़्यादा प्यार मैं किसी से नहीं करती, ऐसा है। और कुछ अपकमिंग आने वाले और कुछ प्रोजेक्ट हैं? हाँ हाँ, अभी मेरा एक शूट शुरू हुआ है चिंटू के साथ, फिल्म शूट चालू है। और सामने अपना कल्लू के साथ एक फिल्म शूट किया है, उसका भी शायद 1-2 दिन में उसका भी पोस्टर आने वाला है, फिल्म राज, जिसका डायरेक्टर है लाल बाबू पंडित, इस आर के म्यूज़िक से है। और जैसे मैं हूँ बॉन्ग बंगाल से हूँ, तो बंगाल से भी मेरा 2 पिक्चर रिलीज़ होने वाला है, 2009 और एक स्ट्रेंजर। तो सब रिलीज़, मतलब अभी धीरे धीरे सब रिलीज़ हो रहा है, ऐसा है। अगर तीनों स्टार की बात करें, जैसे भोजपुरी में सबसे ज़्यादा कंफर्ट किसके साथ में आपको फील होता है? मतलब तीनों स्टार का ही नाम लेना पड़ेगा ऐसा? नहीं, किसी एक का आपका चूज है, खेसारी, पवन, निरहुआ? देखा जाए तो मैं काम किए हूँ खेसारी जी के साथ और कल्लू के साथ, जितना भी फिल्म अभी तक किए हैं, तो मेरा पहला तो है ही खेसारी जी, है तो सुपरस्टार, लोग तो चाहेंगे कि सुपरस्टार के साथ ही काम करें। और मेरा पहला चॉइस खेसारी जी है और सेकंड चॉइस कल्लू है, दोनों ही बहुत अच्छे हैं।